हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं कौन न्यू गोल्ड शॉर्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं न्यू गोल्ड शॉर्ट, जिसका यहाँ पे कोड है #513। और इस शॉर्ट की अगर बात करें तो 7 o'clock का शॉट है, डिस्टेंस मीटर 140 प्लस जाता है और वेस्ट की हाइट पर ये कनेक्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बात करें यहाँ पे, ये आप लोगों को मिल जाता है शॉट, यहाँ पे फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे ही अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग चाहें वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये शॉट भी सभी के लिए अवेलेबल, जैसे कि सारे गोल्ड शॉट अवेलेबल होते हैं तो ये भी यहाँ पे सभी के लिए अवेलेबल है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला कि आप लोगों को शॉर्ट परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यहां पे अगर परचेस करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट भी होने वाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूं सीधे गेम प्ले की तरफ। तो अगर इस गोल्ड शॉर्ट की गाइस अगर यहां पे बात करी जाए तो गोल्ड शॉर्ट बहुत ही अच्छा है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहां पे आप लोगों को फुटवर्क का बहुत ध्यान रखना होगा। फुटवर्क यहां पे अगर अच्छे से नहीं होंगे तो आप लोगों की बॉल कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि फुटवर्क का ही सारा खेल है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहां पे फुटवर्क की वजह से बॉल बहुत बार यहां पे मिस हो जाती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात करें यहां पे कैसे शॉर्ट खेल सकते हैं, तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, परफेक्ट टाइमिंग थी उसके बावजूद यहाँ पे ये आउट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि थोड़ी सी टाइमिंग का भी इशू है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइमिंग कैसे करनी है या फुटवर्क का कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले यहाँ पे गाइस बात कर लेते हैं फुटवर्क के बारे में। तो आप लोगों को फुटवर्क का इस तरीके का ध्यान रखना है कि अगर बॉल अंदर की तरफ आ रही है कि तो आप लोगों को दो स्टेप पीछे लेने हैं, उसके बाद ये बॉल बहुत अच्छे से कनेक्ट होगी। याद रखिए गाइस, बॉल अगर अंदर की तरफ आ रही है तब आप लोगों को दो स्टेप पीछे लेने पड़ेंगे, और यहीं पर अगर आप लोगों को बॉल अगर बाहर की तरफ जा रही है तब आप लोगों को एक स्टेप पीछे लेना है। अगर ज़्यादा स्टेप पीछे लेंगे तो बॉल कनेक्ट नहीं होगी। उसके अलावा गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो यॉर्कर मैंने ट्राई करा, यॉर्कर मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने एक दो बार ट्राई करा तो यॉर्कर एक भी बॉल कनेक्ट नहीं हुई है। बात करें आप स्प्रिंट की, तो स्प्रिंट में भी सेम प्रॉब्लम आती है स्टेप्स का, तो स्टेप्स भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉल बाहर की तरफ जा रही है, मैंने एक ही स्टेप पीछे लिया है, उसके बाद ही यहाँ पर बॉल कनेक्ट हुई है। तो अभी मैं आप लोगों को टाइमिंग के बारे में बता देता हूं कि कैसे क्या आप लोगों को स्पिनर की टाइमिंग रखनी। तो बॉल रिलीज़ होने के बाद हाफ बॉली पर जब बॉल हो तब आप लोगों को स्पिनर की बॉल को खेलना है, तभी आप लोगों का ये शॉट कनेक्ट होगा। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप लोग कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा स्पिनर की बॉल है और ये अंदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर मैं जहाँ था वहीं पर खेला हूँ और बॉल उसने रिलीज़ करी, तभी मैंने शॉट खेला तो बहुत आसानी से कनेक्ट हो गया है। तो आप लोगों ने देखा कि बॉल रिलीज़ होने के बाद, मतलब यानी कि बॉल पिच ना हो पाए उससे थोड़ा पहले आप लोगों को शॉट खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया बहुत दिक्कत है इसमें आप लोग फुटवर्क, तो फुटवर्क का बहुत यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा या तो टर्न होती है या तो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आती है। तो बात करें यहाँ पे फास्ट बॉलर की टाइमिंग, तो फास्ट बॉलर की टाइमिंग की आप लोग को बताएं तो फास्ट बॉलर रिलीज़ करते ही, जैसे ही आप लोगों को फास्ट बॉलर रिलीज़ करे तुरंत ही आप लोगों को शॉट खेल देना और आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। और ये कभी कभी यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं तो जो बॉल वेस्ट की हाइट के नीचे, यानी कि शॉर्ट पिच बॉल पर कनेक्ट होगा, जब वो वेस्ट की हाइट के नीचे होगी तब ये शॉट कनेक्ट होगा, वरना गाइज ये शॉट कनेक्ट नहीं होगा। तो गाइज मैंने आप लोगों को दोनों की टाइमिंग बता दी, स्टेप भी बता दी हैं। तो अब बात कर लेते हैं परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर टाइमिंग बहुत आसानी से हो जाती है, टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बार टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बट टाइमिंग से ज़्यादा इशू आता है इसमें स्टेप्स का, तो स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस गोल्ड शॉट में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो परचेज़ करने की बात रही तो आप लोग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, अच्छा शॉट है, आप लोगों को बहुत ही आसानी से कनेक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोगों को जो प्रॉब्लम आएगी वो स्टेप्स रिलेटेड आएगी। तो थोड़ा बहुत आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा शॉट है, कनेक्ट हो जाता है, आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप लोगों के लिए दोनों पे अवेलेबल है, यानी फ्रंट फुट पे भी शॉट अवेलेबल है और बैक फुट पर। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग जहां चाहे वहां सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे वैसे खेल सकते हैं, मतलब जिस तरीके से वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और यहां पे मैंने बताया कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि स्पिनर की बॉल कभी बाहर और अंदर की तरफ जो टर्न होती है वो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। सो जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेप्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। मिलता हूं आपसे को बहुत जल्दी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।